हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि ये आखिर है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ये हैं गोभी के पकोड़े। गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े सर्दी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। चाय के साथ मिल जाए गर्मा गर्म पकोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी तो मज़ा ही आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पकोड़े कितने अच्छे बनकर के तैयार हुए हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ गोभी लिया, एक गोभी का फूल लिया है। अगर ग्राम में नापेंगे तो ये 500 ग्राम है। और इसको अच्छे से मैंने पहले देख लिया है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कीड़े निकल जाते हैं गोभी में। तो पहले अच्छे से इसको मैंने देख लिया है, साफ़ कर लिया, उसके बाद धो लिया है। अब इस पर छिड़केंगे थोड़ा सा नमक। नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि जब पकौड़े खाते हैं तो कभी कभी फीके निकल जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि नमक अंदर तक जाएगा। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप चाट मसाला और रेड चिली पाउडर भी इस पर डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बोल लेंगे और बोल में डालेंगे बेसन, जिससे हम बैटर बना करके तैयार करेंगे गोभी के पकौड़ों की कोटिंग के लिए। बेसन डाला मैंने, 2 बड़े चम्मच भर के डाला। बड़ा चम्मच होता है, अगर ग्राम में नापेंगे तो ये 150 ग्राम है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, चाट मसाला, सम हींग। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर बना करके तैयार करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है। तो बैटर बन करके तैयार है हमारा। आप देख सकते हैं कि किस कंसिस्टेंसी का मैंने बैटर बना करके तैयार किया है। इससे क्या होगा कि पकौड़ों की कोटिंग बहुत ही अच्छी होगी, ये एकदम रुक जाएगा पकौड़े पे। तो एक एक गोभी का पीस उठाएंगे और इसमें डिप करेंगे। और डिप करते हुए मैंने इधर गैस पे ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई में ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो फटाफट से एक एक पकौड़ा उठाएंगे और डिप करके ऑयल में छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में गोभी के पकोड़े गर्मा गर्म और साथ में चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो बहुत ही पसंद है गोभी के पकोड़े। अगर आपको भी आपके घर में किसी को पसंद है तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, क्योंकि इसमें मसाला अच्छे से लग जाता है। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि पहले इनको स्टीम लगाओ तब पकौड़े बनाओ, कुछ लोग कहते हैं पहले गोभी को फ्राई करो तब बनाओ। ये सब झंझट नहीं करना है आपको, आपको डायरेक्टली आप बना सकते हैं। आप देखिए, मैंने पकौड़ों को छोड़ दिया है फ्राई होने के लिए। आप पलटते रहेंगे इनको, और जब तक हमें इनको फ्राई करना है तब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए और इनका कलर चेंज ना हो जाए, तब तक इनको इस तरीके से पलट पलट के सेकते रहेंगे। और जैसे हमें नीड लगेगी गैस की, कम ज़्यादा भी करेंगे गैस को। तो पकोड़े हमारे फ्राई होकर के तैयार हैं। नैपकिन पेपर पर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कोटिंग हुई है गोभी की, बिल्कुल आपको पीस वैसे ही दिख रहा होगा। तो गोभी के पकोड़े हमारे बनकर के तैयार हैं। फ्रेंड्स, आप ये गोभी के पकोड़े कभी भी बना सकते हैं, सुबह में भी बना सकते हैं, शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं, या फिर घर पर कोई गेस्ट आया है तो उसके लिए भी बना सकते हैं। तो अगर आपको गोभी के पकोड़े बनाने हैं तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कीजिए। अगर इस रेसिपी से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। एक बार फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दबा बाय।